हेलो अंजय भी, मायने में साहिल वाल्मीकि। मैं अभी मौजूद हूँ पुरानी नांगल में, जहाँ एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ जो है कल रात को उसे जला दिया गया उसके पेरेंट्स के परमिशन के बिना। तो और जो घर वाले हैं उनको नहीं बताया गया इस बारे में, और घर वालों का कहना है, घर वालों का आरोप है कि बच्ची के साथ जो है वो रेप हुआ है और उसके बाद उसका मर्डर हुआ है, उसको जलाया गया है। घर वालों जो लड़की के परिजन हैं वो वहाँ पर पहुँचे शमशान घाट में, और उसको जो है फिर उन्होंने जो चिता जल रही थी उसमें से उन्होंने उसको बुझाया है, और सिर्फ उन्हें उनका कहना है कि उन्हें पैर पैर मिले हैं वहाँ पर। यहाँ पर यह प्रोटेस्ट चल रही है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है और लगातार इस पर न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी जो है भारी संख्या में मौजूद है, और ये महिलाएं हैं आप देख सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करिए ताकि ये वीडियो है जो है हमारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए और काफ़ी लोगों तक ये जो है ये बात पहुंचे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको ज़्यादा कवर नहीं कर रही है। अभी तक कोई भी ऐसा आर्टिकल या कोई रिपोर्ट हमें देखने को नहीं मिले हैं, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो साथियों, इस तरह की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आज़ादी के सालों में निरंतर गिर रही है। हमारे बचपन में हम सुरक्षित थे, हम फागुन खेलते थे, सावन के गीत गाते थे, झूले झूलते थे, और तब हमें कोई खतरे नहीं होते थे। लेकिन आज ट्यूशन पे जाने वाली बेटी भी सुरक्षित नहीं है, अपने घर के बाहर खड़ी बेटी भी सुरक्षित नहीं है, शमशान घाट में पानी पीने के लिए लेके जाने वाली लड़की भी दरिंदगी का शिकार हुई है। इसका मतलब क्या है कि जिम्मेदारी ना सरकार की बन रही है, ना पुलिस की बन रही है, ना समाज की बन रही है। समाज भी आंखें बंद करके सो रहा है। आज अगर एक बेटी के साथ हुआ है तो उसे ये चिंता नहीं है कि कल को ये काम उसकी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो साथियों, इस तरह की व्यवस्था में, इस तरह के इस वातावरण में आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है जो हमें हमारी सुरक्षा दे सकता है। आज इस वातावरण में हम देखकर बहुत खुश हैं कि हमारे भाई, हमारे बेटे किस तरीके से हमारी पानी का, हमारी चाय का और हमारे खाने का प्रबंध कर रहे हैं। बताइए, यह आंदोलन के अलावा और कहाँ हो सकता है? आंदोलन इतनी बड़ी एनर्जी देता है, इतना प्यार बढ़ाता है, आंदोलन अपने हकों के लिए लड़ना सिखाता है। तो साथियों, ये आंदोलन एकमात्र रास्ता है, क्योंकि ये सरकारें लुटेरों की सरकारें हैं। साथियों, लूट मची हुई है, आपकी रोटी रोजी छीन ली गई है, आपको नौकर बना दिया है, गुलाम बना दिया है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगाकर। आप सब जगह पर गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। इस गुलामी को हटाने का, गुलामी के बंधन तोड़ने का एक ही रास्ता है, और वो है आंदोलन। वो आंदोलन जिसका रास्ता आज किसान दिखा रहे हैं, जिसका रास्ता अब शाहीन बाग में दिखा था, इसी तरह के आंदोलन हमें खड़े करने पड़ेंगे अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए। साथियों, चाहे वो नशा के खिलाफ, चाहे वो हमारी बेटियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी के साथ, हमें करना पड़ेगा। ये आंदोलन बहुत ज़रूरी है, और आंदोलन ही आज हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जो लड़की के जो माता पिता हैं, क्या उन्हें छोड़ दिया गया? कहाँ हैं वो? छोड़ तो दिए हैं, घर में हैं वो, अभी यहाँ से गए हैं, लेकिन उनको पीटा गया बुरी तरह। बताओ, शमशान घाट का पंडित कहाँ है? इनको तो नहीं पता, ये तो बोलो ना, हमारे हवाले कर दे वो बस। हम तो खुद हम आपसे जान रहे हैं कि क्या जो है, क्या कुछ अभी क्या अपडेट है, क्या कोई अरेस्ट हुई? नहीं, ऐसे नहीं है, सीबीआई वाले भी नहीं आए। कौन सी वो आ रही है मीडिया? नहीं, हमारे कोई मीडिया आई है क्या? कोई बड़े चैनल आए? मीडिया भी हाई फाई वाली आ रही है। ऐसा है,
बेटी के साथ में जो अन्याय हुआ है वो सभी के साथ, सभी के घर में जवान बेटी है, बच्ची भी है, सभी के घर में पैदा भी होती है। या तो मिटाना बंद, लिखना जो लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना बंद कर दो, नहीं तो हमारी बेटी के साथ आज न्याय करो। 24 घंटे के अंदर फांसी के ऑर्डर निकलते हैं कोर्ट से तो ठीक है, नहीं तो उनको हमारे हवाले करो, हम देंगे उन्हें सजा। बहन हमारी के साथ गलत हुआ है, सरकार की बेटी के साथ में गलत नहीं हुआ है किसी, मोदी हमारे साथ हुआ गलत। ये पूरी भीड़ है यहाँ पर, बहुत सारी जो है तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में, और जिस केजरीवाल ने झाड़ू उठा के कसम खाई थी अब वो केजरीवाल का है। जब मोदी कहीं जाते हैं तो सारी मीडिया आ जाती है वहाँ पे, और यहाँ पे अभी तक एक केजरीवाल भी नहीं आया है, जो यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। यहाँ पे कोई मंत्री आया दिल्ली सरकार से? जिस केजरीवाल ने कसम खाई थी और राजनीति की थी वो कहाँ है केजरीवाल साहब? केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री नहीं आया है, और एक चैनल हमारे जो बड़े चैनल हैं उनमें से कोई भी एक भी नहीं आया अभी तक। हमारा जो अपनी समाज जो सोशल मीडिया में जो चैनल वही आ रहा है हमारी कवर करने के लिए। एमएनसी मीडिया नहीं आई, कोई मीडिया नहीं आई, एमएनसी मीडिया कोई भी नहीं आई है। एक चैनल आया, एमएन चैनल आया, वो कमिश्नर आए, कमिश्नर साहब को कवर कर रही है। यहाँ पीड़ितों का नहीं सुन रही है कोई भी, कहाँ है सब ये? हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? और जब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची तो कहाँ, कब, क्या 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 होगा उनके लिए? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रोज अब हाथरस कांड होंगे, रोज ये होगा सब हमारे साथ में। क्या जिस तरीके से पूरी घटना हुई है रात को, जो है जो लड़की को जला दिया गया है, क्या ये हाथरस दोबारा दोहराएगा? ये हाथरस दोबारा दोहराया सर। मैं एडवोकेट बेनीवाल, मैं सुन के, मैं रहता हूँ यहाँ पर सरोजनी नगर में, वहाँ से आया हूँ सुन करके। क्या मैं भी इस समाज से का एक हिस्सा हूँ, इस अंग हूँ इस समाज का, तो ये सब ये रोज रोज होंगे सर, ये रोज हो रहे हैं। ये एक नया केस नहीं है, मेरठ में हो गया, इसमें मुजफ्फरनगर में हो गया था, या आज ये कर दिया देश की राजधानी में। 3 महीने पहले भी यहाँ पे दो लड़कियों के साथ में यही पे रेप हुआ है, उस बात को दबा दिया, उस बात को भी दबा दिया था, तो वो रिपोर्ट नहीं हो पाया, नहीं हुआ, उस बात को दबा दिया बिल्कुल। आप इल्जाम लगा रहे हैं, पुलिस तो कह रही है कि इसकी माँ सालम थी जलाने में, उसकी माँ का नाम ले रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले? हाँ हम यहीं के हैं। पूरा मामला था एक बार बताएंगे? पूरा वो कह रही है पानी भरने भेजा था मैंने, पानी लेने गई थी लड़की, एक बार ले आई दोबारा गई है तो लड़की वापसी नहीं आई। जलाने के बाद उसको बुलाया उसकी माँ को, तेरी बेटी को करंट लग गया, इतने तो जला भी दी वो चुपचाप से बुला के ले गया। अल्लाह मत मचाइए, अल्लाह मचाएगी तो कुछ सब लोग आएंगे, पब्लिक आएगी, तेरी बेटी का करंट लग गया और मैंने जला दिया। तो उसके पूछे बगैर कैसे जला दिया? किसने जला है? पंडित ने, जो शमशान घाट में पंडित, हाँ उसने जला दिया। पुलिस केस हो जाएगा, इसके फेफड़े लिकड़ जाएंगे, इसको मार देंगे, बहुत मुसीबत हो जाएगी, पुलिस आएगी तो मैंने जला दिया। ये किस किस समय की घटना? ये 7:30 बजे, रात के 7:30 बजे की। हाँ अभी जो 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 माता पिता हैं लड़की के वो कहाँ पर है? वो रात भर मारा उनको पुलिस ने अंदर बंद करके के बयान बदलो, बहुत मारा उनके पैरों पर, सुबह छोड़े हैं वो, जब पब्लिक ने हल्ला मचा जब छोड़े हैं वो, डरा। कोई गिरफ्तारी हुई है? वो पंडित पकड़ा है, पकड़ा पंडित, पकड़ लिया। हाँ क्या मांगे आपकी? ये उनको फांसी होनी चाहिए, इतनी सी बच्ची, 9 साल की बच्ची मरी है, 9 साल की बच्ची को मार दिया। कल और भी लड़की है यहाँ, एक एक 9 साल की बच्ची, जो बच्ची है जो पूरी तरह से बड़ी भी नहीं है, बड़ी ना? भी नहीं है। उसके साथ ये ऐसी घटना हो जाती है, क्या कारण देखते हैं? तो यही हम तो ये चाहते फांसी हो, ये चाहते हैं हम, नहीं तो हमारे पब्लिक के हवाला करो, हम देंगे। इसी गांव के? हम इसी गांव के हैं, सब यहीं के हैं, जितने लोग हमारे को दे दो यहीं के, फिर हम उसको मारेंगे, कुछ भी करें वो हमारे पर रहेगी। देखिए ये भारी तादाद में यहाँ पर इस आंदोलन में लड़कियाँ आई हैं, औरतें आई हैं, महिलाएं हैं, और लगातार न्याय की मांग ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखाएं, ये भारी भारी तादाद में जो है दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पर तैनातगी है, और जो भी अपडेट होगी हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे फेसबुक पेज पे पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर हम लाइव रहेंगे।
और आप YouTube पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम वहाँ पर भी जो है जैसी भी अपडेट होंगी हम वहाँ पर पोस्ट करते रहेंगे।